Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस टेलीविजन का एक बेहद ही इंटरटेनिंग रियलिटी शो माना जाता है, जहाँ कॉन्ट्रोवर्सीज और लड़ाई झगड़ा होना काफ़ी आम सी बात है, जहाँ बिग बॉस के हर एक सीज़न में किसी न किसी कंटेस्टेंट के बीच राइवलरी देखने को मिलती है, जहाँ किसी सीज़न में गर्ल टू गर्ल राइवलरी पॉपुलर होती है तो किसी में बॉय टू बॉय राइवलरी देखने को मिलती है। मगर कुछ ऐसे सीजन्स भी रहे हैं जहाँ बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरी देखने को मिली और इस राइवलरी ने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन भी किया। तो आइए बताते हैं आपको ऐसे बिग बॉस सीजन्स के कुछ पॉपुलर बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरीज के बारे में। जहाँ शुरू करेंगे बिग बॉस के 8वें सीजन से, जहाँ बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरी देखने को मिली, जहाँ ये पूरा सीजन करिश्मा तन्ना वर्सेस गौतम गुलाटी के राइवलरी के नाम रहा, जहाँ दोनों की फाइट टॉर्चर टास्क से शुरू हुई थी और हर एपिसोड्स के साथ इनकी फाइट भी बढ़ती गई और शो के लास्ट एपिसोड तक ये दोनों में कभी भी सुलह नहीं हो पाई, जिसके बाद अगले ही सीजन बिग बॉस 9 में मंदना करीमी वर्सेस प्रिंस नरूला हुआ, जहाँ डे 1 से ही दोनों के बीच कोई खास वाइब नहीं देखी थी और मंदना की किश्वर संग हुई फाइट ने इनके बीच की राइवलरी को और भी बढ़ा दिया, जहाँ किश्वर को प्रिंस अपनी बहन मानते थे और ऐसे में किश्वर वर्सेस मंदना की फाइट के बाद प्रिंस और मंदना में भी खूब झगड़े हुए और शो के लास्ट वीक तक इनके बीच काफ़ी मतभेद भी रहा, जिसके बाद सीजन 11 में एक बार फिर बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरी देखने को मिली, जहां विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया, जहां दोनों के शो के बाहर से ही अच्छे रिलेशंस नहीं थे, जहाँ शिल्पा का कहना था कि विकास ने उनका टीवी में काम बंद करवाया था और विकास इस बात से इनकार करते रहे और यही बात का क्लेश घर के अंदर भी देखने को मिला, जहाँ शिल्पा ने विकास को खूब तंग किया और विकास का कई बार इस वजह से मेजर ब्रेकडाउन भी हुआ और इन दोनों की टॉम एंड जेरी टाइप फाइट ने ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया। वेल, अब बात करेंगे सीजन 13 की, जहाँ आसिम और सिड की राइवलरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, पर इसके बाद रश्मि वर्सेस सिद्धार्थ की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रही थी, जहाँ इन दोनों के बीच शो के बाहर से ही काफ़ी मनमुटाव चल रहा था, पर बिग बॉस में आते ही मानो इनका झगड़ा सबके सामने आ गया और हर एपिसोड्स में दोनों के बीच कई वर्बल फाइट्स देखने को मिलती थी, जहाँ ऐसी लड़की टॉपिक पर शुरू हुआ बवाल सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जहाँ दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर गर्म चाय भी फेंकी और इनके झगड़े को हर वीक सलमान सॉल्व कराते थे। वेल, इनकी राइवलरी काफ़ी इंटरटेनिंग थी, जिसके बाद सीजन 14 में रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य ने ये प्रथा कायम रखी, जहाँ शुरू से ही राहुल और रुबीना के बीच कोई खास बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली, पर इनकी लड़ाई की असली शुरुआत हुई एक टास्क में, जहाँ राहुल, रुबीना और जैस्मिन इन्वॉल्व थे और अनइंटेंशनली जैस्मिन हर्ट हो गई थी, जिसके बाद जैस्मिन ने राहुल को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, पर वीकेंड के वॉर में जैस्मिन को उकसाने का सारा ब्लेम रुबीना के मत्थे डाल दिया गया, जिसके बाद से राहुल और रुबीना के बीच खटास बढ़ी और हर हफ्ते इनकी लड़ाई बढ़ती ही गई और कई बार इस लड़ाई में राहुल अभिनव को भी इन्वॉल्व कर लेते थे, जिसके वजह से पूरे सीजन तक इन दोनों की फाइट चलती रही। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे सीजन 15 की तरफ, जहां प्रतीक सहजपाल और तेजस्वी प्रकाश की राइवलरी को काफ़ी अटेंशन मिला था, जहां प्रतीक और तेजस्वी के बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के बीच पहले हफ्ते से ही फाइट की शुरुआत हो गई थी। तो दूसरी तरफ प्रतीक की बिग बॉस OTT में बनी फ्रेंड समिता सेट्टी और तेजस्वी प्रकाश के बीच कभी भी नहीं बनी, जिस वजह से ऑलरेडी प्रतीक वर्सेस तेजस्वी का अलग अलग ग्रुप बन चुका था और हर पासिंग वीक के साथ इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट्स बढ़ती गई, जो कि लास्ट वीक तक कायम रही, पर इन दोनों की फाइट्स ने ऑडियंस को भरपूर इंटरटेनमेंट दिया। तो दोस्तों, अब बात करेंगे बिग बॉस की लेटेस्ट सीजन BB16 की, जहां इसी प्रथा को निभा रहे हैं प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे, जहां पहले दो हफ्ते में दोनों के बीच एक नॉर्मल सी दोस्ती दिखाई दी, पर जैसे ही गेम आगे बढ़ा दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा शब्दों के वार होने लगे और हर एपिसोड्स के साथ इनकी वर्बल फाइट्स भी बढ़ती जा रही है, जहाँ शिव के बेस्ट फ्रेंड्स हैं अब्दू, निमृत और स्टैन, जो कि प्रियंका को कोई खास पसंद नहीं करते, तो वही दूसरी तरफ प्रियंका की बेस्टीज अर्चना और अंकित की भी शिव से फाइट होती रहती है, जिस वजह से इनकी राइवलरी को और भी ज़्यादा फायर मिल रही है, पर ऑडियंस को शिव्यांका की नोकझोंक काफ़ी इंटरटेनिंग लग रही है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन्स की बेस्ट बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरीज। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि कौन कौन से सीज़न की बॉय वर्सेस गर्ल राइवलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।